रिश्तों का कत्ल करने में इन दिनों अपनी ही पीछे नहीं है। रोहतक के डोब गांव में एक सेना के जवान ने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। जवान ने पत्नी के सिर फोड़कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस संगीन वारदात के बाद पूरे रोहतक में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान की तैनाती इन दिनों कश्मीर में थी और वो कल ही छुट्टी पर घर आया था। इस दौरान उसकी अपनी पत्नी पूजा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसने तैश में आकर अपनी पत्नी का सिर फोड़ दिया। जो लालच है भया कोनी और मुंह फोड़ के दिखाया कोनी। अच्छा तो भाभी पास रखे नहीं छाजे तो कह तो मार दूं मरण नहीं हुए अरे तो प्रशासन से यह मांगे सख्त सख्त कार्रवाई करके पास की सजा होनी चाहिए। क्या खबर आई थी आप दोनों? इनकी फोन करा था तारी छोरी ने गोली खा ली। अच्छा यह गोली तो कौन खा रखी? बदबू आंदी है, लहू लुहान हो रही है। मेरे मैंने फोटो खींचा मेरी मर्जी का, मेरे पास फोटो भी है। आज सवा 11 बजे फोन करा था मेरा पड़ोसी तो रहा बोला तारी लड़की ने गोली खा ली। बच्ची जू तो आर्मी में है। वहीं परिजन इस मामले में झूठी सूचना देने का आरोप लगा रहे हैं। उन्हें पूजा के जहर खाने की सूचना दी गई थी। कहीं न कहीं इसे दहेज हत्या के मामले में भी परिजनों द्वारा जोड़ा जा रहा है। घटना को अंजाम दे सेना का जवान मौके से फरार हो गया। फिलहाल SFL की टीम बहु अकबरपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया गया है। क्या की सूचना मिली है और कार्रवाई जारी है। क्या नाम था जो मृतक है उसका? नीलम नाम है। किस तरह प्राथमिक जांच में क्या कुछ लगा? इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है और घटना स्थल पर तथ्य जुटाने के लिए FSL की टीम भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया है और आरोपी पति की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।